नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में एक बार फिर से। और देखिए, यहाँ पर दिमाग भी जो है मैच में अटका हुआ है। मैं अपने ईयरफोन्स लगाना ही भूल गया हूँ, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रशांत शर्मा। और ये मुकाबला आप कह सकते हैं कि आईपीएल का मैच तो नहीं हो सकता। 10 बजे ही मुकाबला समाप्त हो गया, जो मुकाबला 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था। आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला खेला गया है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 10 बजे आईपीएल का मुकाबला समाप्त हो जाए और सभी खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स फ्री हो जाएं। लेकिन आज जो हुआ है, आरसीबी शायद उसे याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि 9 रनों से शिकस्त मिली है आज आरसीबी की टीम को। अगर आप देखें तो आज पूरी तरह से दिन रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का। 7 ओवर का मैंने जिक्र किया था कि 7 ओवर में ही समाप्त हो जाएगा। 1 ओवर जो है ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि विकेट गिर गई थी आखिरी में और कप्तान जो है वो नाबाद रहे। लेकिन अभिषेक शर्मा अपना 250 लगाने से चूक गया, 47 रन बना के आउट हो गए। कप्तान केन विलियमसन 16-17 गेंदों पर नाबाद रहे। उसके बाद अभिषेक त्रिपाठी साहब आज फिर 7 रन 3 गेंद और फिनिश कर दिया अपने ही अंदाज में। और जिस तरह से आज मैच समाप्त हुआ है, अब ज़रूरी है इस मैच से उबरने की, यानी कि आरसीबी की टीम को इस मैच को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। और यहां पर जो है मुबारकबाद देनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि लगातार 5वीं जीत अर्जित कर ली है इस सीज़न में। लगातार 5वीं बार जो है जीत हासिल की है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। जो शुरुआत हुई थी बैक टू बैक 2 हार के साथ, उसे समाप्त कर लिया है। 68 रनों पर जो है ऑल आउट कर दिया आरसीबी को। फिर उसके बाद 10 ओवर से भी कम जो है अपनी जीत हासिल की है। 10 ओवर से भी कम में ही जीत हासिल कर ली सनराइजर्स हैदराबाद ने। और ऐसा पहली बार हो रहा है इस आईपीएल में कि कोई टीम 10 ओवर से भी पहले जो है मुकाबला समाप्त कर रही है। मेरे हिसाब से 6 ओवर में ही समाप्त करना चाहिए था तो और फ़ायदा मिलता। लेकिन अब नेट रन रेट में जो है और ज़्यादा इजाफा होगा और ज़्यादा जो है अच्छी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर रणनीति अच्छा जो है नेट रन रेट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है अब हैदराबाद के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि टीम जो है टॉप 4 में जाएगी। पॉइंट्स टेबल की थोड़ी देर में जिक्र करेंगे, देखते हैं कि आज कहां पर चढ़ाई चढ़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और क्या आरसीबी और ज़्यादा नीचे जाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन आज कुछ भी अच्छा घटा नहीं है इस मुकाबले में आरसीबी के लिए। शुरुआत से ही पूरी तरह से खेल से बाहर नजर आई है। पहले 2 ओवर में ही जो है 3 विकेट गंवा दिए, फिर आप जो है बैलेंस थोड़ा लाए, थोड़ा सा जो है पार्टनरशिप वहाँ पर जमाई। उसके बाद जो है आखिरी 6 विकेट आपने 19 रनों पर गंवा दिए। 69 रनों का लक्ष्य था आपके गेंदबाज जो हैं, 69 रन का लक्ष्य देखते ही उनके दिमाग में पहली बात यही आई होगी कि इसे क्या बचाएं, ये तो बचाने वाला लक्ष्य है ही नहीं। तो इस तरह का जो है आप कह सकते हैं कि दिमाग में ज़रूर बात आई होगी। और कहीं ना कहीं एक आदि ऐसा मुकाबला जाता है, लेकिन आरसीबी के लिए 23 अप्रैल तो कहना पड़ेगा बहुत ख़राब है। ट्विटर पर भी जो है लगातार ट्रेंड देखने को मिल रहा है आप 23 अप्रैल, क्योंकि डिज़ास्टर तारीख आप कह सकते हैं आरसीबी के लिए 23 अप्रैल रहती है। चलिए गेंदबाजी की चर्चा करते हैं। आज 69 रनों के लक्ष्य को बचाने के लिए भी आरसीबी ने 4 गेंदबाज लगाए। मोहम्मद सिराज 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। जॉर्ज हिजलवुड 3 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। बहुत महंगे साबित रहे, पिछले मैच के हीरो, इस मैच में विलन, ये भी क्या करेंगे। मैं तो उन्हें विलन नहीं मानूंगा, क्योंकि 69 रन बचाने थे। आप उस विपक्षी टीम को 67 पर तो नहीं ऑल आउट कर सकते थे। बल्लेबाज सबसे बड़े विलन रहे हैं आज के मुकाबले के, तो मेरे हिसाब से उन्हीं पर जो है पूरी तरह से बंदूक तानी जानी, बंदूक जो है वो तान देनी चाहिए। चलिए अगले आज चर्चा करते हैं। अगले यहाँ पर तो फिर हर्षल पटेल एकमात्र विकेट उनके नाम रही, 2 ओवर 18 रन, 1 विकेट। इसी के साथ जो है वनिंदु हसरंगा 2 ओवर 7 रन, कोई विकेट इनके नाम नहीं रही है। बहुत ख़राब गेंदबाजी आज जो है आरसीबी द्वारा भी देखी गई है, आरसीबी के द्वारा भी, क्योंकि आप जो है एटलीस्ट 2-3 विकेट तो निकाल सकते थे, बट 9 विकेट से जो है हारना पड़ रहा है आज आरसीबी को। और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आरसीबी का मुकाबला देखने के लिए, लेकिन जो आज हुआ है याद नहीं रखना चाहेंगे आरसीबी के फैंस।
इस तारीख को ही निकाल देना चाहते होंगे कैलेंडर से, जिस 23 अप्रैल तो आरसीबी के लिए आप कह सकते हैं कि मौन रहेंगे इस दिन तो, ताकि शांति मिलती रहे फैंस को अपनी। तो चलिए आज एक मुकाबला जिसमें कुछ बेहतर नहीं घटा आरसीबी के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं घटा इस मुकाबले में, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज पूरी तरह से दिन था। शाम में मुकाबला ज़रूरी हुआ, लेकिन सन जो है हैदराबाद का राइज होता रहा इस मुकाबले में। एक आसान, एक बहुत आसान सी जीत जो है सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ में लगी है, जहां आरसीबी को 68 पर ऑल आउट करते हुए टीम ने पूरा मुकाबला आसानी से जीत लिया, और इससे बेहतर जीत ना आरसीबी की ना एसआरएच की कभी हुई थी और ना कभी इसके बाद होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आप सभी का जो भी सवाल है, जो भी जवाब, जो भी आप सभी के जो आप कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, और आप ये भी बताइए कि आज मतलब इस मुकाबले से आपको क्या लगा है, मतलब आज का ये जो मुकाबला है कितना ज़्यादा निराश हुए हैं आप इस मुकाबले से। मैं अपना बताना चाहूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा निराश हूँ। 68 रनों पर ऑल आउट टीम हो गई है, 68 रनों पर। ये वो टीम है जिनमें 5 डुप्लीसीज हैं, विराट कोहली हैं, आपके पास दिनेश कार्तिक बेस्ट फिनिशर इस आईपीएल की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कहेंगे इस आईपीएल सीजन के, आपके पास हैं, आपके पास शहबाज अहमद हैं युवा खिलाड़ी, ग्लेन मैक्सवेल बिग शो आपके पास, वो भी ढेर हो गया आज। तो ये आरसीबी नहीं नज़र आती है, एटलीस्ट आप 100 रन तो लगाते, 47/4 होने के बावजूद भी मान लिया कि आपके टॉप फोर जो है ढेर हो गए, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना चाहिए था। आज केकेआर भी जो है, आज केकेआर के भी टॉप फोर ढेर हो गए थे, जल्दी विकेट गवाई थी, लेकिन उसके बाद टीम ने एटलीस्ट इतना तो किया कि वो 100 के पार पहुंची, और अंत में ऐसी बल्लेबाजी की कि मुकाबला जो है एक समय पर केकेआर के गिरफ्त में आ गया था, 5 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, अगर कहीं वो उस दूसरी गेंद पर जो है आंद्रे रसल ना आउट होते तो ये मुकाबला जो है आसानी से एक रोमांचक मुकाबला जीतते केकेआर। बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि केकेआर ने भी अपने विकेट जल्दी जल्दी गंवाए थे, लेकिन आरसीबी की टीम एक बार अगर विकेट जल्दी गंवाती है तो वापसी नहीं कर पाती है। इससे मुंबई इंडियंस से इस समय जो है मुंबई इंडियंस से ऐसी परिस्थितियों में मुंबई की टीम से जो है आप कह सकते हैं कि सबक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मुंबई अपने जल्दी जल्दी विकेट्स गंवाती है तो वहाँ पर उनके बैटिंग लाइनअप में कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं। आज सम्मान बचा सकती थी आरसीबी अपना, 47/4 थी, उसके बाद 68 रनों पर ढेर हो गई, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इस तरह से तो अगर आप मैच खेलते हैं तो आपको चैंपियन टीम तो नहीं मानेगा कोई, आप भले ही आपने कोई सीज़न नहीं जीता है लेकिन उसके बावजूद भी टीम आपको चैंपियन टीम ही मानती है, क्योंकि आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हैं, फाफ डुप्लेसीज हैं आपके पास, दिनेश कार्तिक है, ग्लेन मैक्सवेल हैं, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा, तो कितने बड़े बड़े नाम आपके पास इस टीम में हाजिर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हार अगर आपको मिल रही है ये बहुत निराशाजनक है। वहीं अगर तारीफ करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो कमाल की गेंदबाजी आ रही है, मार्को येंसन भले ही वो इस मुकाबले में जो है थोड़ी सी मार उन्हें पड़ गई, लेकिन मेरा मानना ये है आज इस मुकाबले में सबसे बड़े हीरो जो रहे हैं वो मार्को येंसन रहे हैं, क्योंकि जो डेंजर विकेट थी, जो डेंजर मैन आप कह सकते हैं फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, साथ ही साथ एक बोनस विकेट भी लाके थी उस ओवर में अनुज रावत, तो एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल लिए और टीम को एक आसान जीत की ओर ले करके गए। तो मेरे हिसाब से मार्को येंसन इस मैच के सबसे बड़े हीरो हैं। इसके बाद टी नटराजन, जिन्होंने लगातार जो है अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाली और टीम को एक बार फिर से जो है विजेता बना लिया। तो इस मुकाबले में जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार मैं कहूँगा गेंदबाजी रही है। आज सभी गेंदबाजों को देखें, भुवनेश्वर कुमार, मार्को येंसन, टी नटराजन, सुचित, इमरान मलिक, तो सभी भारी पड़े हैं आरसीबी की बल्लेबाजों पर। थोड़ी बहुत जो है रनों की गुंजाइश बची थी जब 4 विकेट के बाद 27 रनों की साझेदारी लगी और ऐसा लग रहा था कि हाँ जो साझेदारी है उसके बाद थोड़ी उम्मीद जागेगी, आप एटलीस्ट 100 बनाएंगे। जब प्रभु देसाई और शहबाज अहमद खेल रहे थे तब लगा हाँ अब थोड़ा ये जो यंगस्टर्स हैं आपको थोड़ा और पुश कर सकते हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक आएंगे, वो तेज तरार बल्लेबाजी करेंगे और आपको एटलीस्ट 130-140 तक तो लेकर ही चले जाएंगे, लेकिन 68 पर ऑल आउट
ये बहुत ज़्यादा हैरानी कर देने वाली बात है। तो आरसीबी आज पूरी तरह से निराश होगी, क्योंकि आज बड़ी हार मिली है। पॉइंट्स टेबल की भी जिक्र करनी होगी, पॉइंट्स टेबल की भी तरफ चलते हैं, जिक्र करते हैं पॉइंट्स टेबल का। तो इस वक्त देखिए कितना बड़ा उछाल देखने को मिला है। सनराइजर्स हैदराबाद लगातार मुकाबले जीतती हुई, लगातार मैचेस जीतती हुई नंबर 5 पर आ चुकी है। लगातार 5 मुकाबले जीतती हुई टॉप 5 पर जो है, टॉप 5 पे नहीं, 5वें स्थान पर जो है होते हुए दूसरे स्थान पर जो है छलांग लगा ली। ये टीम 10वें स्थान पर थी जब अपना दूसरा मुकाबला हारा था इस टीम ने। इसके बाद 8वें स्थान पर फिर जीती, फिर 7वें स्थान पर फिर जीती, तो 5वें स्थान पर, और अब एकदम से दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। और एक बहुत शानदार, मैं कहूँगा आज दिन रहा है इस टीम के लिए। और पिछले 5 मुकाबले तो अब तो टीम तौबा कर रही होगी कि हमें किसी से भी मैच खिलाइए, हैदराबाद से ना खिलाइए, क्योंकि लगातार इस तरह से जीत अगर हासिल आप कर रही हैं तो ये बताता है कि आपने जो है मेहनत की है, आपने कॉम्बिनेशन बिठाया है, आपने मौका दिया है खिलाड़ियों को। आपने जब आप बाइंग पर बैठी थी, ऑक्शन में बैठी थी, ऑक्शन में जब आप बैठी थी तब आपने वहाँ पर जो है स्मार्ट बाइंग्स की है आपने वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये सीज़न जिस तरह से उभरी आरसीबी, वो कमाल है देखने के लिए। चलिए कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं तो कमेंट लेते हैं। और इमामुद्दीन मंसूरी जी का कमेंट है, वो कहते हैं कि विराट कोहली जी को संन्यास ले लेना चाहिए, हर मैच खेलो गोरा है। ये लाइन मुझे समझ नहीं आई है, प्लीज़ मुझे समझाइए। विराट कोहली लेना चाहिए, चलिए ये तो आप कह सकते हैं कि एक सीज़न ख़राब तो आप रिटायरमेंट की बात करेंगे। अब अगर अगले ही मैच में विराट कोहली शतक जड़ देते हैं, चूँकि इस वक्त तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि विराट कोहली को फिर वही बात आ जाती है कि विराट कोहली जो है और 3-4 साल खेल सकते हैं बड़े आराम से। तो सीजन्स की बात होती है, विराट कोहली इससे बुरा सीज़न तो कभी नहीं रहा है जहां लगातार 2 गोल्डन डक बनाए हों। थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है विराट कोहली को, अभी तय हो चुका है। मेरा भी मानना यह है कि रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट की कहां से बात आ गई। विराट कोहली वो खिलाड़ी नहीं है जो रिटायर अभी से हो जाएंगे। अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है विराट कोहली में, थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से जो है ब्रेक ले, सोशल मीडिया से ब्रेक ले, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो है लगातार विराट कोहली को आज की इनिंग्स के बाद से तो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लगातार उनका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, इतने दिग्गज खिलाड़ी के बारे में इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो मेरा मानना है कि विराट कोहली को जो है अब कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए और मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर जो है काम करना चाहिए। ये विराट कोहली के टेक्निक में कमी नहीं है, ये विराट कोहली की बल्लेबाजी में कमी नहीं है, ये कमी उनके मानसिक तौर पर आ रही है। दबाव में इस वक्त नज़र आ रहे हैं विराट कोहली, वो परफॉर्मेंस का प्रेशर इस वक्त विराट कोहली के ऊपर है। जब वो मैदान में उतरते हैं तो किंग कोहली की छवि लेके उतरते हैं, और किंग कोहली अगर स्ट्रगल कर रहा है ग्राउंड पर तो अपने आप विराट कोहली स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इमेज विराट कोहली पर इतनी हावी इस वक्त हो गई है कि अब विराट कोहली के लिए रन आने ही बंद हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि विराट कोहली को रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। अगर आईपीएल के बीच में भी जो 4-5 मुकाबले अगर ऐसा हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि टीम हाँ क्वालिफाई कर रही है, तब विराट कोहली को आराम दे देना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि उन्हें पूरी तरह से, जब तक क्वालिफाई अगर करती है आरसीबी और एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर्स के मुकाबले नहीं खेलते, तो उस दौरान से बिल्कुल मैदान से ही विराट कोहली को जो है रेस्ट देना चाहिए, आराम से थोड़ी देर रहें, अकेले बातचीत करें। तो इसी तरह से ठीक हो सकते हैं विराट कोहली, अकेले तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो खिलाड़ी और जो है ख़राब होने की स्थिति में चला जाता है। चलिए मंसूरी जी का अगला कमेंट है, वो कहते हैं कि विराट कोहली जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मगर इस वक्त श्लोक साबित हो रही हैं, इतने बेहतर खिलाड़ी होने के बाद विराट कोहली अपनी टीम को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते। चलिए ये तो देखा जाएगा, वक्त बताएगा कि अभी विराट कोहली पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं। वो एक बड़ा अच्छा एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें फिनिश्ड अखबार पे, न्यूज़पेपर पे लिखा होता है, उसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो
अभी विराट कोहली के नाम के आगे भी सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली एक बहुत 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 बड़े खिलाड़ी हैं, वापसी करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देखिए हर खिलाड़ी का वक्त आता है। अभी हमें एम एस धोनी को पिछले दो सीज़न से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लेकिन इस सीज़न एम एस धोनी ने पलटवार किया है। पहला मुकाबला अर्धशतक जड़ दिया, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एम एस धोनी ने जो है आईपीएल के पहले मैच में अर्धशतक जड़ा हो, लेकिन 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया। लखनऊ के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया, मुंबई के खिलाफ तो उन्होंने चमत्कारी जीत दिला दी। तो एम एस धोनी ने भी तो इस उम्र में वापसी की है ना। विराट कोहली तो फिर भी 34 साल के हैं, अभी पूरी तरह से हुए भी नहीं हैं, 33 साल के खिलाड़ी हैं, और मेरा मानना ये है कि जल्द ही वापसी करेंगे। थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर उन पे कम होगा तो और अच्छे निकल के आएंगे और अच्छे से खुद को निखार पाएंगे। तसव्वर अली जी का कमेंट आया है, कहते कि आरसीबी नहीं सुधरेगी, ये ऐसे ही धोखा देते रहेगी। देखिए ये खेल है, मेरा मानना है कि अगर आप आरसीबी का अभी पॉइंट्स टेबल में जाकर देखें तो 8 में से 5 मैच जीती है ये टीम, 2 मुकाबले इससे पहले हारी थी, आज बहुत खराब खेल रहा है ये आप कह सकते हैं, लेकिन धोखा देगी और सुधरेगी नहीं ये कहना गलत है। इस सीज़न अभी बेहतर खेल दिखाया ही था आरसीबी ने, आज ऑल आउट हुई है। मेरा मानना है कि अभी जो है पूरा सीज़न पड़ा हुआ है, आरसीबी के पास और 6 मुकाबले हैं, पलटवार करेगी। हाँ आप बतौर फैन आप निराश हो सकते हैं जब आपकी फेवरेट टीम 68 रनों पर ऑल आउट हो जाए और टीम में कोई भी खिलाड़ी जो है कुछ भी ना कर पाए, ये तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन हाँ अब आप ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि वापसी ज़रूर करेगी, पूरी तरह से वापसी करेगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए कमेंट की तरफ चलते हैं। अली जी का अगला कमेंट है, जीती तो है लेकिन लेकिन 264 भी बनाती है, यही टीम से उठाती है 49। चलिए कमेंट आपका थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि समझ नहीं है, लेकिन भावना मैं आपकी समझ चुका हूँ। 263 रन इसी दिन लगाए थे, 2013 में लगाए थे, फिर 4 साल बाद जो है 49 पर ऑल आउट हो गए, और आज ही के दिन 49 पर ऑल आउट हुई थी, और आज 5 साल बाद 68 पर ऑल आउट हो गई। तो आरसीबी के लिए ये तारीख तो हम कह सकते कि बनी नहीं है, एक ही बार अच्छा हुआ है कुछ, 2 बार तो डिज़ास्टर आप कहेंगे हुआ है। तो चलिए अब बहुत मुश्किल मुकाबला ये रहा आज आरसीबी के लिए, जहाँ पर लगातार हार मिली, वहीं जो पहला मुकाबला हुआ था वो पूरी तरह से रोमांचक मुकाबला रहा, लेकिन आज उम्मीद तो यही करनी पड़ेगी कि अब आरसीबी जो है थोड़ी और बेहतर खेल दिखाए, आरसीबी जो है थोड़ा सा और अच्छा खेल दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी में सुधार लेकर के आए। ज़रूरत है अनुज रावत की जगह आप किसी यंगस्टर को मौका और देने का, अनुज रावत फ्लॉप हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप बैक कर रही हैं तो फिर उस ऐसे खिलाड़ी को भी बैक कीजिए जो बेंच पर बैठे बैठे सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। एक मैच अच्छा खेला है अनुज रावत ने, मानना होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि और किसी की भी प्रतिभा को आप आंकिए, भापिए, लेकर के आइए टीम में, क्या पता आपको थोड़ा सा और अच्छा सुधार मिले, क्योंकि ओपनिंग तो अच्छी हो नहीं रही है। आफाफ को हमेशा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि अनुज रावत भी दूसरी साइड युवा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अगर स्पार्क नहीं है युवा में तो आप ऐसा नहीं है कि टीम से बाहर निकाल रहे हैं, आप सीखने का मौका देंगे लेकिन आप थोड़ा सा रोक कर चलते हैं। कमेंट की तरफ चलते हैं। फिलहाल तो तसव्वर अली जी कह रहे हैं कि 15 साल हो गए हैं बर्ड देखते, चलिए 15 साल हो गए हैं देखते, तो क्या बुक ट्रॉफी उठाएगी बेंगलुरु, आप तो क्या बुक ट्रॉफी उठाएगी। चलिए यहाँ पर आपने बुक का इस्तेमाल कर दिया, आप मेरे को समझ आ चुका है। चलिए अच्छी बात है कि आपने शब्दों की जो है मर्यादा समझी है, और इस सीज़न तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं ना, इस सीज़न तो विराट कोहली कप्तान नहीं है, 5 डुप्लेसीज हैं, क्या पता थोड़ा सा लक चमक जाए और आरसीबी इस साल जो है अपने नाम कर ले ट्रॉफी को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 8 मुकाबले हुए हैं, 5 तो जीती हैं, 50% से ज़्यादा का रेशो है जीत का इस साल आरसीबी का, तो फिर बेहतर है, आप उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया हमेशा कायम रहती है। चलिए कल के मुकाबले की चर्चा करते हैं, कल भी डबल हेडर है, 24 माफ कीजिएगा कल एक ही मुकाबला है,
संडे है क्योंकि मेरे दिमाग में डबल हेडर ही चलता रहता है और संडे को डबल हेडर होने चाहिए हर बार, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अब कल एक ही मुकाबला है तो क्या कर सकते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस। कल लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो भी चाहेगी कि एक बार फिर से जो है जीत हासिल की जाए, और मुंबई इंडियंस को पिछली बार हरा दिया था। 100वां मुकाबला था केएल राहुल का, 100वां मुकाबला खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। तो इस सीज़न मुंबई इंडियंस अब यही चाहेगी कि भाई पहली जीत तो एटलीस्ट उन्हें नसीब हो, और पिछली बार जो है 18 रनों से हराया था मुंबई इंडियंस को लखनऊ ने, इस बार सेकंड जो मुकाबला होने वाला है इन दोनों के बीच उसमें तो मुंबई चाहेगी कि अब खाता खुल जाए, क्योंकि लगातार 8 मुकाबले अगर हार गई तो इतिहास की पहली टीम बन जाएगी मुंबई इंडियंस जो 8 लगातार मुकाबले हारेगी। बहुत इस सीज़न मल्टीपल जो चैंपियंस, मल्टीपल आईपीएल टाइटल विजेता टीम जो है, केकेआर हो, आरसीबी, माफ कीजिएगा, सीएसके और मुंबई इंडियंस, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये तीनों ही खेमा स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा ये सीज़न इन टीम्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि पलटवार कल मुंबई इंडियंस करके दिखाए और लखनऊ भी अच्छा खेल दिखाए। तो अब मुलाकात आपसे कल 7:15 होगी, और इसी तरह से जो है हमारा साथ देते रहिए, हमारा साथ निभाते रहिए, और आप सभी से जो है उम्मीद करते हैं कि कल मुलाकात हो। और आज का जो मुकाबला गया है आरसीबी फैंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, डिजास्टर मैं तो कहूँगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब आगे आरसीबी अच्छा खेल दिखाए। इसी के साथ मैं प्रशांत शर्मा आप सभी से लेता हूँ विदाई, अब मुलाकात आप सभी से कल इस उम्मीद के साथ कि कल मिल रहे हैं। आज इस खेल सभा से लेते हूँ मैं विदाई, आप वन इंडिया हिंदी स्पोर्ट्स दोनों को देखते रहिए, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसी के साथ जो है अब कल 7:15 इसी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन इंडिया। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ बखैर, शुभ रात्रि।